दोस्तों आप सभी का स्वागत है फालतू पॉकेट गेमर में और आप देख रहे हैं रेस्टेंट एविल 2 रीमेक का वॉक थ्रू। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने दो पावर पैनल का जो कंपोनेंट है, पावर पैनल पार्ट्स जो है वो ले आए थे वो लोग, और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहां पर लगा भी दिया था। एक सेकेंड, कहाँ पर लगाया था मैंने? इधर। ओ भाई, टायरेंट की अभी भी आवाज़ आ रही है यहाँ पर। तो फिर पावर पैनल जो है वो एक्टिवेट कर दिया था। सारा यहाँ से तोड़ के मत आ जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा भी दिया था और ये सॉल्व भी कर दिया था मेरे ख्याल से। तो अच्छा, अभी वो दिखा नहीं रहा शायद। अब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चीफ आयरन्स जो है, यहाँ से हम लोगों को पार्किंग की कार्ड मिल जाएगा। तो चीफ आयरन्स जो है उसने क्या सोचा हुआ है हमारे शहरी के लिए, तो ये ले लेते हैं। फ़ोन वो आ गया, फ़ोन फ्रेंड किया उसने। कैसा ऑयली हो गया ना चेहरा क्लियर का, मेरे से भी ज़्यादा। पुराने ज़माने के फ़ोन सीरियसली नॉस्टैल्जिक है। We've got unfinished business. ओके, बिजनेस करना है उसको हमारे साथ। क्या बेचना चाहता है वो? In the neighborhood, you'll find it. ओके, सारा हमें देख भी सकता है। ओके, तो हमें कहीं पे बुलाया है इसने। शहरी दिख रही है मुझे स्क्रीन पे। Just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. तो उसने कुछ जो छोड़ा था शेरी ने, वो इसको चाहिए। शायद उसका जो लॉकर बोल रहा हूँ क्या, मेरे दिमाग का। ओके, तो हम शेरी को लेकर खेल रहा है, क्या बात है। क्यूट सी बच्ची, प्यारी सी। ओह, देख रहे हो कैसे घबराई हुई है। ओह शिट, स्टफ्ड डॉल, कैसा दिख रहा है उसकी आंखें देखो। छोटा सा बस चेहरा है उस पर, क्यूटनेस नाम की चीज़ नहीं है। एक सेकेंड, इसको एग्जामिन कर लेते हैं। डर्टी स्टफ्ड डॉल, ओके। तो क्या इसको फेंक के मारना है उसको? यहाँ पर कुछ दिख रहा है, स्टफ्ड डॉल। यहाँ पे एक पीस मिसिंग है, मुझे और कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि स्टफ्ड डॉल जो है उसको एग्जामिन करना पड़ेगा हम लोगों को। ओ, ये रहा ना, कुछ छुपा के रखा है किसी ने। ये उसका पीस होगा, हाँ वैसा ही लग रहा है। ब्लॉक एग्जामिन कर लेते हैं, पिक्चर ब्लॉक। ओके, पिक्चर ब्लॉक लगा के क्या उखाड़ लेंगे हम लोग। ब्लॉक प्लेस कर देते हैं। ओ, मैं रोटेट कर सकता हूँ कंफर्म। अच्छा, एक्स से वो कर सकता हूँ। तो ऊपर जो है, ऊपर भी सेम सिंबल्स दिए हुए हैं और नीचे भी सेम सिंबल्स, और नीचे भी दिया हुआ है। तो मैच करना है हम लोग को शायद। ऊपर का तो मैच दिख रहा है, यहाँ का पंगा लग रहा है मुझे। ओके, रोटेट करने के लिए स्टार चाहिए यहाँ पर। ओके, स्टार दे देते हैं इसको। दो स्टार है यहाँ पर, एक और स्टार दे देते हैं इसको। यहाँ का भी सेम है, तो मतलब इसकी छेड़छाड़ नहीं करनी क्या? ओके, एक मिनट, इसमें भी स्टार और ट्रायंगल है क्या? स्टार और स्क्वायर है इसमें। ओके, इसका सीन देखते हैं हम लोग। इसको मूव कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ मैं। तो उधर क्या है, सर्कल और स्क्वायर है। एक सेकंड, लेट मी चेक, इसमें है क्या सर्कल और स्क्वायर ही है ये। तो ये वाला पुट करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर दिखा रहा है क्या? स्क्वायर और ट्रायंगल है। एक मिनट, ये वाला चेक करते हैं। स्क्वायर और ये है। ओह शिट, ये कैसे हो गया? मैं तो अभी भी समझ ही रहा था पजल को। तो सीजर्स मिले हैं, तो शायद वो जो जगह दिखी थी हम लोगों को उससे कैंची से काटना है। क्या बात कर रहे हो, आई क्यू बढ़ते जा रहा है मेरा इस गेम को खेलने के बाद।
ग्राफिक्स काफ़ी तगड़े हैं, मतलब कि ये जो कट वट करने का L2 टू क्राउच, ओके L2 टे वट इज दिस, कान पकड़ के चूटा खीस, ये क्या दिया हुआ, टीवी मॉनिटर पे कुछ चल रहा है, कौन सी जगह है लेकिन, ये शायद यहीं पे बुलाया हम लोगों को उसने फ़ोन करके, फ़ोन अ फ्रेंड करके। ओ भाई पेंटिंग्स तो देखो, वेलकम वड़कम। ओ शिट, दौड़ना नहीं है अपने को, ये लॉक्ड डोर है तो यहाँ पे कुछ है नहीं करने के लिए, तो हमको कुछ जाना पड़ेगा इधर ना, ये ब्लॉक्ड है। बाहर देखो भाई बारिश हो रही है क्या, ये सिर्फ बिजलियाँ कड़क रही है। यहाँ पे कहा दिया हुआ है भाई, सैली सी, सैली की डायरी दी हुई है, वेडनेसडेज आर परफेक्टली ग्रेट डेज कॉज अगर स्नैक्स और आइसक्रीम मिलता था उन लोगों को वेडनेसडे को। वो लड़की जो है वो नफरत करती थी जहाँ पे वो पिछली बार थी, मतलब ऑर्फेंस लोगों को क्या किया, गोद जिन्होंने गोद लिया था उन लोग से नफरत करती थी। टीचर्स, अरे नहीं, टीचर्स वेर ऑल बीनीस, तो ये कहीं और थी, पिछले ऑर्फेंस से जहाँ से आई है वो, उसके टीचर लोग अच्छे नहीं थे, बस पढ़ाई करो ऐसा बोलते थे, कोई आइसक्रीम नहीं देता था। यहाँ पे मैं बहुत पसंद करती हूँ, यहाँ पे नया रूल बनाया गया है कि हर एक को डायरी लिखना पड़ेगा और चेकअप जो है, हेल्थ चेकअप जो है वो करवाना पड़ेगा। एंड वी एंट अलाउड आउटसाइड, और बाहर नहीं जाने देते थे वो लोग इसको, टू ओके उन लोगों को स्कूल भी जाने नहीं देते थे, इसलिए उसे बहुत पसंद आ आइसक्रीम मिलता था ये सब। ओके स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं पुराने कपड़े पहन के जाऊँ और लोग मुझे चिढ़ाए इसलिए। और स्पेशली जिस बंदे ने वो कपड़ा पहन के उसे दिया है वो, ओ भाई आज ऑर्फनेज का डायरेक्टर जो है वो आ रहा है, बेस्ट कपड़े पहनूंगी मैं। डायरेक्टर लंबा है, उसकी मुस्ताश है और पुलिस मैन है, तो चीफ आयरन जो है यहाँ का डायरेक्टर है, ऑर्फनेज में है हम लोग। कैसी कैसी ड्राइंग है यार, मतलब इससे अच्छी ड्राइंग तो मैं बना दूँगा। और कोई जगह नहीं है, ये कुछ दिख रहा है मुझे, वो होल्ड करना है तो उसको खींच सकते हैं, तो यहाँ पे चढ़ेंगे क्या बन, चढ़ गई भाई। डक्ट दिख रहा है मुझे, और कहीं तो जाना नहीं है यहाँ पे, रोशनदान से हम लोग चले जाते हैं। ओ भाई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, ओह मिस्टर रकून की आवाज़ आ रही, कहाँ रखूँ मिस्टर रकून, कहाँ जाना गया है मुझे। एक सीधा जा सकता हूँ मैं और एक इस साइड है, वो यहाँ पे मिस्टर रकून है क्या, कहाँ है वे, यही कहीं मिस्टर रकून है क्या, तो सीधा जाके देखते हैं। मेरे ख्याल से दौड़ने से तो कुछ नहीं होगा अभी फ़िलहाल के लिए, सिर्फ L2 क्राउच करने के लिए दिया हुआ है यहाँ से निकलने विकलने के लिए। ओह यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ से निकलूँ फिर मैं, ये रहा जगह, यहाँ से निकल सकते अपन क्राउच करके। बट शहरी का गेम प्ले जो था रेसिडेंट एविल 2 में जो क्लासिक है उसमें डिफरेंट था, क्योंकि हम लोग सीवर वाले सेक्शन में जाते थे अंडरग्राउंड और उसमें, ओ भाई गेट दिख रहा है मुझे, भाग जाऊं क्या मैं, भागना ही पड़ेगा। यस डोर वा, पहले भागने से पहले ना अपन सर्च कर लेते हैं ये एरिया, कुछ रहा तो नहीं गया। भालू रखा है टेडी बियर, टॉम्स चेरी इज वन टू मिसिंग्स, आई सेंट द लेटर टू ओलिवर एंड ऑल आई गॉट बैक इज नाडा, ओलिवर को उसने लेटर भेजा था और फिर उसके बाद लोग अडॉप्ट होते थे तो कोई भी रिप्लाई नहीं करता था, राजाओं की तरह रह रहा होगा अभी ओलिवर, ऐसा सोच रहा है वो, उसको लगता था ओलिवर अलग है दूसरे लोगों से, मेरा दोस्त रहेगा जिंदगी भर के लिए, नहीं गेस आई एम जस्ट अ फूल, आंसर ऑल द लिटिल गर्ल्स डाउन एंड टोल्ड देम स्टोरी, ऑल द किड्स दैट गेट Adopted are turned into food for the boogeyman. What the hell? N जो है कौन है भाई N? That's why no one hears from them. Okay भाई,
तो बूकी मैन को खिला देते थे जो भी अडॉप्ट हो जाता था, ऐसा बोल रहा है. नॉट श्योर वेयर शी गेट्स हर आइडियाज फ्रॉम, बट शी इज श्योर गॉट अ माइंड फॉर राइटिंग ट्रैशी हॉरर नॉवेल्स. देयर इज समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन अराउंड हियर एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एन स्टोरी. डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव बीन इन वर्स प्लेसेस. ओके, तो ये बच्चे भी सस्पेक्ट करने लग गए थे कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है. तो वो लोग ऑर्फनेज में कुछ कर रहे थे वायरस को लेकर या फिर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो उसके बारे में दिया गया. ये सिर्फ डायरी है बच्चों की, तो वो सब है. और हर दिन उन लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है एक, वो उसको अडॉप्ट किया जा रहा है. मोस्ट पीपल गो फॉर यंगर किड्स. आई टोल्ड माय किडिंग टू द प्रेजेंट 20th. आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट टू बी अ गुड सन. उसको लग रहा है कि अच्छे से अडॉप्ट किया. ओलिवर आया वापस हेल्प मी बोलते हुए, उसे पहचान भी नहीं पाया ये. और उसकी जो उसका जो चेहरा था वो गल रहा था, ऐसा बता रहा है. इट्स जस्ट अ स्किन थिंग दैट हिज गेट बेटर, ही विल गेट बेटर सून. डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे थे कि वो ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा करके. ओ भाई साहब, तो ये सब कांडी वांडी चल रहा है यहाँ पर. ओके, चलते हैं फिर यहाँ पर. ओ तेरी चाबी लेके आना पड़ेगा हम लोगों को. पता है भाई मेरे को, मत बता. ओके, तो चाबी चाहिए हम लोगों को उस मेन डोर के लिए. एक मिनट, मैं चुपचाप चलता हूँ भाई. ओ शिट, वो ये यहाँ पर है. चीफ आयरन्स जो है, धीरे 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 धीरे. वो कौन लेटा हुआ है वहां पर? ओ शिट, बंदे ने चड्डी पहना है क्या? एक मिनट खड़े होकर देखता हूँ, पता नहीं चल रहा है यहाँ से. कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे. यार एक सीन था रेसिडेंट इविल 2 में, जब चीफ आयरन मिलता था इससे, क्लेयर से, तब उसके डेस्क के ऊपर ना एक बंदी लेटी हुई रहती थी. और उस बंदी को वो बोलता था कि मेयर की जो डॉटर है वो है, उसकी सुरक्षा के लिए मेयर ने उसे बोला था, लेकिन वो मर चुकी ऐसा करके कुछ. पोषक खड़ा क्यों हो गया? चुपचाप जाने का, उधर तो नहीं जाएंगे अपन. कुछ काट पीट रहा है वो. यहाँ क्या है भाई? ओके, ये ले सकता हूँ मैं, पकड़ लेगा ये, पता था मेरे को. Where you going, Sherry? I told you to stay put. वो चाबी पकड़ लिया उसने. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. मार साले को फेंक के. एसिड, ओ एसिड था ये. तो भाग रहे हैं हम लोगों को, बट सामने का डोर तो बंद है, कहाँ भागेंगे हम. ओके गाइस एंड भाईस, तो हम लोगों को भागना है. बंद कर, दरवाजा बंद कर दे. भागो भागो. ओह शिट, यहाँ पे भी मैं ऊपर ही बस जा सकता हूँ क्योंकि ये बंद है. ये खुलेगा तो है नहीं. चाबी चाहिए हम लोगों को उससे. यहाँ से घुसा था मैं. अबे ये बंद कैसे हो गया? यहाँ से तो हम जा सकते हैं, और पीछे जाने के लिए जगह नहीं है. ओ शिट, छुपना है मुझे. रेजिडेंट सेवल की याद आ गई मुझे, मार्गरेट से बचने के लिए. वो बंद कर दिया साले ने. कुछ कांड होने वाला है. शिट, इधर ही आ रहा है वो. शिट, शो योरसेल्फ. नहीं, आई नो यू आर इन हियर. चुप बैठ हरकी. द लॉन्गर इट टेक्स मी टू फाइंड यू द वर्स इट्स गोना बी. पकड़ा जाऊंगा मैं, ऐसा लग रहा है मुझे. पकड़ा जाऊंगा मैं क्योंकि जाने के लिए जगह नहीं है. वो अगर पीछे आया, यहीं घुमाना पड़ेगा उसको. वो हटा रहा है वो, तो मैं शायद उधर जा सकता हूँ जब वो आगे पीछे करेगा. तो
ओह शिट वापस आ रहा है वो just got to be here somewhere nee oh, god damn it yahan pe chup sakta hu main nahi idhar wapas to nahi aayega idhar aaye to fir mujhe lag jayega oh bhai wapas aa raha hai यहाँ पे छुप सकता हूँ। This is your last fucking chance. Show yourself now. अभी यार भी देख लेगा मुझे, पकड़ लेगा यहाँ पर। मेरे को भाग जाना चाहिए था और पीछे की तरफ। वो नहीं नहीं देखा नहीं देखा। चाबी छोड़ दी उसने। लेके भागूं? चल भाग भाग ले बंद कर दे साले को थैंक यू वेरी वेरी मच भाग 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 कम ऑन उसको पता नहीं चलना चाहिए वो शिट आ गया फ्रंट डोर ये इतने स्लो क्यों भाग रही है भाई जान पे आई है मैं तो भाई कुत्तों की तरह भागता जैसे मेरे पीछे बताऊं डायनासोर पड़ा है था। ओ ये भी बंद है व्हाट द फक भाग मुझे बहुत दौड़ रहा है वो भागो 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 भागेश्वर बदेश पांडे चल फाइनली दिमाग यार मैं पकड़ा गया यहाँ पे बंद हो जाए कट सीन ट्रिगर हुआ मतलब यहीं तक पहुँच रहा था हम लोगों को ऊषा जी तो आ गया अंदर उसके चेहरे को देखा ओ मुंह में दे दिया अच्छी Disgusting है तो शहरी गई लोडिंग चल रहा है शायद क्लियर पे स्विच करेगा 30 मिनट पहले क्या हुआ जो फोन कॉल आया उसके बाद क्या हुआ What are you talking about? Don't waste my fucking time. उसका चेहरा कैसा हो गया देखो तो पेंडेंट के लिए वो इतना मर रहा है पेंडेंट में कुछ है इम्पोर्टेंट नो फाइन वेयर आर यू द ऑर्फनेज वेयर इज दैट इन द नेबरहुड यू विल फाइंड इट तो वहां तक पहुंचना है हम लोगों को फॉर नाउ आई स्वेयर यू बास्टर्ड इफ यू हर्ट हर Serious? Damn it. तो हम लोगों को पार्किंग गैरेज का की कार्ड तो मिल गया है फिलहाल के लिए अब पंगा ये है असोल कुमार ओके तो पंगा ये है कि जब हम लोगों ने ओह मैंने बहुत सारा चीज छोड़ दिया है यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ पार्किंग लिनन रूम से ये भी नहीं लिया ये भी नहीं लिया ओ भाई साहब कितनी सारी चीज़ें छोड़ी है चक्कू भी छोड़ दिया है ओ शिट रोल फ्लेम हैंड ग्रेनेड गन पाउडर कितनी सारी चीज़ें छोड़ी हुई है मैंने लेकिन ठीक है चलता है हाँ तो मैं बोल रहा था पंगा ये है कि मैं पहले तो सेव कर देता हूँ फटाक से मिस्टर एक्स जो है वो तो यहीं पे घूम रहा है और लियोन जब लेके खेल रहे थे हम लोग तो जब हम लोगों ने की कार्ड लगाया था तब मिस्टर एक्स जो है आया था तो हमको बहुत मारा था
तो उसके कारण हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तो मैं एक फ्रेश सेव करूं। 38 लिफ्ट एस्केप। तो फ्रेश सेव कर रहा हूँ। मुझे लगेगा कि अगर मेरे पास गोलियाँ कम हैं तो मैं पीछे जाके गोलियाँ ले लूँगा और फिर वो सारी चीज़ें करूँगा। ओ भाई साहब, तो हम लोगों को पहुँचना है ऑर्फनेज, वहाँ पे रखा हुआ है इसने। तो अभी मुझे यहाँ से जाके वापस पीछे जाके वापस, एक मिनट, में कुछ बॉस फाइट हो सकती है। नहीं, टायरेंट के साथ तो सिर्फ बचने वाला केस रहता है। लियोन को तो उसने बचा लिया था, क्या बोलते हैं, छोटू ने, एडा छोटू ने, बट हमें कौन बचाएगा, कौन हमारा मालिक है। मेरे पास गोलियां अभी कम है, लेकिन मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर है तो फिर दिक्कत नहीं है। और दो हर्ब मैंने रखी हुई, इतनी सारी ग्रीन हर्ब्स है मेरे पास। ओह, स्पेयर की नहीं लगाया मैंने अभी तक। ये करना पड़ेगा। वहाँ जाने से पहले तो स्पेयर की लगा के मैं अपना जो वो है वो बढ़ाना चाहूँगा पहले। तो स्पेयर की लगाने के लिए मुझे जाना कहाँ पड़ेगा। तो कोई नहीं गाइस, मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। फिर उसके बाद मैं यहीं पे मिलूँगा सारी चीज़ें कलेक्ट वलेक्ट करके। तो मिलते हैं अपन थोड़ी देर में। थैंक यू वेरी वेरी मच, आता हूँ मैं। वेलकम भाइयों। तो इस छोटे से कट के दौरान मैंने जो लॉकर थी, सिक्योरिटी लॉकर, वहाँ से सारी चीज़ें उठा ली। और एक जॉम्बी ने मुझे दबोच लिया। तो कोई नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई अभी मेरे पास। और फिल्म विल्म वो सब थी, वो सारी चीज़ें उठा ली। तो मैं एक छोटा सा हर्ब जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे हर्ब्स हैं। स्टोर नहीं, टेक आउट। और अगला जो टायरेंट बॉस फाइट आने वाला है या जो भी आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास गोलियाँ तो कम है, लेट्स सी क्या कर पाते हैं। तो चक्कू जो है मैं रखता हूँ, एक सेकेंड, एक और चक्कू होगी मेरे पास, नाइफ, और एक हाई ग्रेड गन पाउडर भी उठाया, तो अच्छी बात है। तो दो नाइफ जो है वो मैं रखे रहता हूँ। मेरे पास कुछ ग्रेनेड्स वेनेड्स है क्या, फ्लैश ग्रेनेड है एक मेरे पास, अगर चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गोलियाँ, ये कौन सी वाली है, ओ क्विक ड्रॉ आर्मी की गोलियाँ हैं। मेरे पास गन कौन सी है, क्विक ड्रॉ आर्मी है, ठीक है, चलो चलेगा। तो अभी टायरेंट जो है घूम रहा है हमारे आसपास और हमें निकल कर जाना है कहाँ तक, पीछे की तरफ से हम लोग ये लेके जा सकते हैं। तो पीछे चलते हैं। सही है क्या ये, सही है। तो हम लोग एलिवेटर लेके वापस प्रिजन वाले एरिया पे जा सकते हैं, पर होपफुली जो टायरेंट जो है अभी हम लोगों को बख्श दे, बख्श बनी कर दे हमारे साथ। बहुत स्ट्रेसफुल गेम है, मैं कितना भी बोलूँ ना बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो बी सिनेरियो है उस गेम, क्लासिक में भी टफ था वो। ओके, तो हम निकलने वाले बाहर और देखते हैं कि पार्किंग लॉट में क्या होता है। लियोन के समय में तो एडा ने बचाया था लियोन को, और इस पे इसको कौन बचाएगा। ओह, ये रहा, फालतू घूम रहा था मैं। की कार्ड रखा है, ओह शिट, की कार्ड नहीं रखा है मैंने। व्हाई यू डू दिस टू मी। फालतू का टाइम बर्बाद करना कोई मुझसे सीखे तो कोई नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती रेसिडेंट एविल गेम में। फटाफट की कार्ड भी निकाल लेते हैं, और वो पाउच बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैं लेने गया, क्योंकि बता दो इन्वेंट्री का स्पेस जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया हमारे पास। तो चौथा पाउच था हमारे पास, हिप पाउच। ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, ओ शिट, ये कहाँ गया, अच्छा इधर। ओके, तो यहाँ से निकाल लेते हैं अपन अपना की कार्ड जो है, कांड हो जाएगा नहीं तो। गोलियाँ बना लूँ क्या मैं, और मेरे ख्याल से तो देखना पड़ेगा कितनी गोलियाँ हैं मेरे पास। लॉन्चर की बहुत सारी गोलियाँ हैं, तो फिर अगर बॉस फाइट भी हुई तो अपन देख लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
मारते हैं टायरेंट को, टायरेंटोला। ये गेम सीरियसली ना मतलब आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, बट मैंने जिस तरीके से इस गेम में गोलियां बर्बाद किया है उतना नहीं करना चाहिए था मुझे। चलते हैं, यहाँ की कार्ड लगा देते हैं और देखते हैं सीन क्या है। ये रहा, ओह शिट, फक, फिर पीछे पड़ गया ये। मुझे इसको चकमा देकर जाना पड़ेगा, वो खुल तो चुका है। होली शिट, इसकी कमी थी। तो ये हम लोगों को बाहर भी दौड़ाएगा, क्या बकवास है। एक मिनट, इसका रास्ता समझ में नहीं आ रहा अभी। तो ये सारी एरिया जो है वो क्लियर है, तो पंगा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस शिट, बहुत तेज है ये। तो होपफुली वो जो शॉप थी, गन शॉप, वहाँ से एडा लोग गए थे, तो हम लोगों को शायद यहाँ जो जॉम्बीज दिख रहे हैं वहाँ पे रहना पड़ेगा। ओ चीज, ओ भाई पीछे ही है मेरे, पीछे ही है, पकड़, मार मत दे। एक शक, एक नाइफ मैंने वेस्ट कर दिया, हो गया। तो फॉरवर्ड जा रहा है हम लोगों को। एक नाइफ वेस्ट कर दिया मैंने जो मुझे काम आता, लेकिन कोई नहीं। तो टायरेंट अभी हमारे पीछे नहीं आ रहा है, तो ये छोटे जगह पे वो नहीं आता बेसिकली। वो आंटी खड़ी है, आंटी को कौन बुला लेगी। नहीं, केस नहीं करने का आंटी के ऊपर। आंटी का पैर तोड़ो सीधा, बस पकड़ मत ले हा हू करते हुए। जाना कहाँ है, इसी साइड जाना है। ओ नहीं, कुत्तेस नहीं, कुत्तेस नहीं, कुत्तेस देश पांडे नहीं। मुझे जाना कहाँ है, मुझे यहाँ पहुँचना है, लेकिन सारा एरिया ब्लॉक्ड है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, शिट, मैं इन पे गोलियाँ वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे पास गोलियाँ हैं भी नहीं। ओ शिट, ओ नहीं, कम ऑन, वहाँ बेंच पे हब दिख रहा है। तो ये गेम चाहता है कि आप लोग मरें, और एक मिनट, मेरे पास जगह ही जगह। वो गोलियाँ भी हैं मशीन गन की। ओके, ओ ये कुत्ते, कुत्ते रेडी हैं। पीछे वाले कुत्ते कहाँ गए, कहाँ जाना है यहाँ से। ओ भाई बहुत दूर तक पहुँचना है। ओ नहीं, पीछे ही है मेरे कुत्ते, दबोचेंगे मुझे। ओ ये क्या है, थैंक यू वेरी वेरी मच, इसको मारना ही पड़ा मुझे। ओ नहीं, वो ये रहा दरवाज़ा, मैं सीधा दरवाजे की तरफ भाग रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा हूँ, लेकिन कुत्ते से बचने के लिए। ओ भाई देख रहे हो, उन लोगों का पावर पूरा रैम कर रहे हैं। तो ये रहा ऑर्फेनेज, शहरी को यहाँ से बचाना है। तो फ्रंट हॉल, अच्छा सेम जगह पे है। यहाँ पे सारा जो है वो ब्लू दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ कुछ होगा नहीं। जी जी, एक मिनट, गोलियाँ कितनी मिली मुझे, थोड़ी सी मिली भिखारियों की तरह यहाँ। लेकिन मतलब बॉस फाइट हो सकता है, क्योंकि जो वो जी मॉन्स्टर था वो आया हुआ था। तो ये एरिया तो सारा क्लियर है, ऊपर जाके देखते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिसिंग नहीं, मेरे ख्याल से मिसिंग तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लू दिया हुआ है तो मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है। बट ऊपर से उसकी आवाज़ आ रही थी, क्या बोलते हैं, मिस्टर रकून की, तो मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ यहाँ का। ओ ये रहा, ओके थैंक यू वेरी वेरी मच। मैंने कितनी कलेक्ट की है मुझे ये नहीं पता। और आप जब 15 मिस्टर रकून जो है कलेक्ट करते हो, तो फिर आपको अनलिमिटेड नाइफ मिलती है, जो कि बहुत सही है। नाइफ ओनली रन कर रहा है उसके लिए वो सब। ओके तो शेरी है। ओह शिट,
वो मरने वाला है ये. अच्छा उसके मुंह पे कुछ डाला था. प्रीडेटर का सीन दिखा दिया यहाँ पर. एलियन सॉरी एलियंस का. प्रीडेटर नहीं एलियन वर्सेस प्रीडेटर. जीसस क्राइस्ट नहीं है भाई ये आयरन से चीफ आयरन से. शहरी सिंह पटेल वेयर आर यू. ओह कुछ यहाँ पे है. ओह सेव करने का दिया और एक फाइल दिया हुआ है. डैश डायरी इफ़ यू आर रीडिंग दिस गो कॉल पुलिस. बुगी मैन हियर ईटिंग एवरी बॉबी मैनी बार्क. बुगी मैन हियर हैव दे आर कोमिंग हेल्प मी मोमी. तो इस शायरी ने लिखा है. शायरी नहीं लिखा होगा ये ऐसा लग रहा है मुझे. बट वो तो अच्छे से इंग्लिश बोल लेती है. शायद लिखना पढ़ना नहीं आता उसको. अनपढ़ बच्ची है बेचारी. ओके तो यहाँ सेव करने के लिए दिया है. और कुछ है क्या यहाँ पे मिसिंग. यहाँ क्या दिया हुआ है. नीचे जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है. तो शहरी यहाँ से भाग गई. वो मॉन्स्टर आया तो उसको मार रहा था जब. तो चीफ को गोलियाँ कितनी हैं मेरे पास. जी मास्टर सिंह पटेल को लड़ना पड़ेगा. ओ यहीं पे है. आई बी राइट देयर. एक ओ भाई टायरेंट की आवाज़ आ रही है. नहीं पास में पूछ. भागो शेरी मैं तेरे को नहीं बचाने वाला. मैं भाग रहा हूँ पहले. ओके तो सीधा जाके राइट मारना. राइट मार. बिहाइंड यू. तेरे बिहाइंड यू है. चुप तू भाग कुत्ती. ओके एलिवेटर एलिवेटर बंद करो. अच्छा शेरी ताकत है भाई उसके पास. डैडी तो यहाँ पे उसका स्टेज टू हुआ रहता है. वो क्या फाड़ा है एकदम सट से. उसका एक हाथ ऐसा है साले. तो हमें अपनी बेटी पे अटैक कर रहा है. बचा रहा है या अटैक कर रहा है क्या है. पिछले पार्ट मतलब फर्स्ट एनकाउंटर पे वो बचा ही रहा था शायद हम लोगों को या मार रहा था क्या है. Can you hear me? Claire? Claire, you have to get up. He's going to get us. Wake up! Wake up! Wake up sit कर रही है यार. Wake up sit करवाना पड़ेगा. Wake up. Wake up. Your eyes. Hold still. Annette, यहाँ पे मिल रही है Annette. Not infected. ओ भाई Annette मिलती sewers में और sewer का एरिया बहुत घटिया है. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. I didn't foresee this. पढ़ाई लिखाई कर रही है. Excuse me. Where is she? Hello? What? Where's oh, she? Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who is that? The creature responsible for this. Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. इसमें भी बिच ही आई है. Find Sherry. My daughter is not. सन की बिच. अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती. दिन भर काम करते रहती है. उसको रोटी वोटी बना के कौन खिलाएगा? Her daughter? ना भाई. कहाँ पहुँचे भाई अपन. ऑफिस है और यहाँ क्या सीन दिया हुआ है. ओह बहुत ज़रूरी थी मेरी मुझे गोलियाँ इसकी. ओके तो यहाँ पे और कुछ नहीं है. यहाँ क्या पे. यहाँ पे कुछ है. एक मिनट. ओह सेव पॉइंट. थैंक यू सो मच वेरी वेरी मच.
हाई पावर्ड राउंड SLS 60 के लिए, तो मैग्नम बन जाएगा क्या वो SLS 60 जो है? एक मिनट, पहले सारी चीज़ें ले लेते हैं. अबाउट जी, जी वायरस क्लिनिकल ट्रायल विल बी एंटरिंग इट्स फाइनल फेज. तो जी वायरस जो है फाइनल फेज में आने वाला था. बिफोर जी द न्यू क्रीचर दैट विल सरपास ह्यूमंस इज बॉर्न. अलाउ मी टू प्रेडिक्ट अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट्स बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल फंक्शन. Intelligence, the subject intelligence will begin to drop immediately. Will then investigate the deposit in many of the TDCs. Lose their capacity, reason and the humanity. तो ये बेसिकली परकिंस के बारे में बोला गया है. जी वायरस अगर किसी को वो ट्रायल चालू हो गया है और फिर उसका इंटेलिजेंस जो है चला जाएगा, लेकिन उससे जो पावर है वो सब मिल जाएगा. तो पूरे और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसका जो इंटेलिजेंस है, तो वो पूरे इंस्टिंक्ट पे काम करेगा कि किसे मारना है किसे नहीं मारना है. मतलब जैसे शेर भालू होते हैं ना वैसे ही. तो रीजनरेशन भी है उसको, इसलिए जब हम लोग लियोन के इसमें मार रहे थे उसको बार बार, तो वो बार बार आ रहा था क्योंकि वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा था. कन्वेंशनल फायर पावर से नहीं किल कर सकते जी. मोस्ट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. ओके, तो वो जो है ना सेक्स करने के कैपेबल है. और फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें हैं, वो तो एम्ब्रियो दिया है, बट तो चांसेस होते हैं वेरी लो. बेचारा सक्सेस ही नहीं है उसके. तो ये सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पर, वेरी वेरी मच. तो यहाँ से सारी चीज़ें ले ली. लॉकर वॉकर में कुछ नहीं है. तो कैसे भी करके हम लोग पहुँच तो गए हैं भाई यहाँ पे. मुझे लग रहा है सुअर के एरिया पे हम लोग. तो हाई पावर्ड राउंड दिया हुआ है. एक सेकंड, इसका डिस्क्रिप्शन देख ले. हाई पावर राउंड ऑफ SLS-60 नाउ विथ मोर गन पाउडर गुडनेस. द पंच दिस डिलीवर्स रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर गन फ्रेम टू फायर. तो हम लोगों को SLS-60 को जो है अपग्रेड करना पड़ेगा. उसका कोई अपग्रेड मिलेगा हम लोगों को, तब जाके हम लोग ये मैग्नम वाली राउंड्स जो है वो फायर कर पाएंगे. तो इसको सेव करते हैं फटाफट. थैंक यू वेरी वेरी मच. थोड़ा दूर और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अभी के लिए, इस एपिसोड के लिए. तो कहाँ जाना था, वहाँ पे कहीं पे गिरने का एरिया था. तो गिरेंगे तो अपन सुअर की तरफ ही जाएंगे क्योंकि एनेट हम लोगों को वहीं मिलती है. ओके, पीछे क्या है, पीछे कुछ दिया? एनी गुडीज? नो गुडीज. है आवाज़ आ रही थी वहाँ से, लेकिन शेरी को ढूंढ रहे हैं अपन. शिट, यहाँ से लियोन गिरा हुआ रहता था. इसके मैं थोड़ा सर्च कर लेता हूँ. आ गए टट्टी वाली जगह पे. सारी टट्टियाँ ही टट्टियाँ हैं यहाँ पर. यस यू विल लिटरली. ओके, तो यहाँ पर क्रैंक हैंडल, टी बार हैंडल लगाना है हम लोग को. एक मिनट, कुछ ये कंबाइन कर देता हूँ मैं और इसको अपन रख देंगे. अरे यार ये सब रख देना था मुझे. देखते हैं आगे क्या मिलता है. वो 30 मॉन्स्टर्स जो है ना बहुत इरिटेटिंग है, तो वो बस मत मिला. मैं जा कहाँ रहा हूँ वैसे? तो सामने का एरिया ब्लॉक्ड है ये वाला. ओह यहाँ पे कुछ है, वो लार्ज गन पाउडर. थैंक यू वेरी वेरी मच. ओके, तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर मिल. अभी भी है क्या ये? ओह शिट, नहीं नहीं ये तो डब्बा है साला. डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा ऐसा. तो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, शायद इसके कारण है, उस एरिया के कारण. तो उस एरिया पे अपन जा पाएंगे? कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो इसी एरिया पे जाना है हम लोगों को. केबल कार वाली जगह है. तो पीछे कुछ नहीं. तो हम लोग को आना पड़ेगा यहाँ पे वापस केबल कार में जाने के लिए. वही अभी शायरी को ढूंढ के शायद हम लोग को यहीं वापस आना पड़ेगा. थैंक यू. ओ उसके पैर. ओ एक और है, एक और है. ओके, तो यहाँ करना क्या है मुझे? पंगा लेना है क्या इन लोग से? SLS, सॉरी क्विक ड्रॉ निकाला जाए.
मरा ये चाइनीज वाले ज़ॉम्बीज जो है ना बहुत टाइम लेते हैं मरने के लिए. अबे रुकेगा हिलना बंद करेगा. हाँ थैंक यू वेरी वेरी मच. ये भी ओ भाई जीसस नहीं है भाई ज़ॉम्बी है. ओ भाई दौड़ता है ये तो. What the hell is up with you? सही बोला. ये भी बचा हुआ है इसको मारूं क्या मैं बाद में आके दबोच ना दे मुझे. वो मेरे पास चक्कू थी ना. हाँ चक्कू है. पहले इसको देखते हैं. ओ शिट साले मौका देखा नहीं लड़की पे झपटा है. ओके इसका हो गया. ओ ये भी चिंता है जीने मरने की कश्मीर खाई है लोगों ने एक साथ. पिछवाड़ा ही काट दूंगा मैं उसका. ठीक है ये शायद गया. रुक जा बे. वो नहीं भाई ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग वाले ज़ॉम्बीज नहीं है. बचा ही है अभी भी. चल हट. ओ भाई अब हुआ तो यहाँ पर. ओ पीछे फ्लेम राउंड्स है. ओ ये क्या लिखा हुआ. कॉपी ऑफ फीमेल से अम्ब्रेला डायरेक्टर ओवन्स देयर आर अलार्म्स गोइंग इन द नाइट. ये पिछले बार रिपोर्ट था. कैन हियर गन फायर रीच माय सेक्शन चीफ वी आर ट्रैप्ड प्लीज हेल्प सिचुएशन हियर इज डायर. नेस्ट के बारे में दिया तो लैब. एक सेकेंड लैब के बारे में दिया था. वो सारी चीज़ें हैं. चीफ से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारा वो सब. ओके तो एक और वो मिला हम लोगों को. फायर फायर वाले राउंड्स फ्लेम राउंड्स. ओ यहाँ जाना है हम लोगों को. डायलॉग है यहाँ पर. डायलॉग में क्या था. कैप यूज़ हो गया अपना. डी सी एम यूज़ हो गया तो एस जेड एफ था शायद. एस जी और एफ. यस मास्टर ऑफ अनलॉकिंग तो सारे वो हम लोगों ने अनलॉक कर लिए लग रहा है. ओ 100 बुलेट्स. थैंक यू सो मच फॉर दिस. ओके तो गन पाउडर और ये सब है हमारे पास. ताम छाम काउंटर के लिए नाइफ भी है और ग्रेनेड भी है तो अच्छी बात है. तो हम लोग को यहीं जाना पड़ेगा. ये सारा तो वो हो गया. ओ भाई नीचे जितना जाओगे ना मुझे डर लगता है नीचे जाने पे. ओ एक और कट सीन. उसकी माँ बात कर रही है शेरी के साथ. शेरी व्हाई डिडंट यू स्टे इन द हाउस इट वाज सेफ देयर. हे शेरी आई वाज स्केयर्ड दोस थिंग्स वर एवरीवेयर. कैमरे से बात कर रही है. यू शुड हैव कॉल्ड द पुलिस दैट्स व्हाट वी टॉट यू. आई डिड बट नोबडी केम एंड यू डिडंट आंसर योर फोन सो शेरी आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस. Oh no. चकरा के गिर गई है तो. Sherry, I'm coming. I'm coming. Come on, Sherry. I'll be right there. Save Sherry. Sewer map मिला. Thank you. वो पीछे मैंने गन छोड़ दिया. क्या बात कर रहे हैं. मतलब एमओ छोड़ दिया. अच्छा ये वाली जगह मुझे याद है. टेप रहता है वो वाली. एक मिनट ये क्या है. सीवर कंपनी कॉम्प्लेट आर बी फिशर का दिया हुआ है. कहाँ है भाई. गन कितने है. इतने है. थोड़ी गोलियां मिली हैं हम लोगों को तो यहाँ से गिरे थे हम लोग और डायरेक्ट कट सीन जो है वो स्टार्ट हो गया था. तो अभी ये प्लग वाली जगह है. ओके तो इसमें क्या सीन है. सेम है पजल. रूक्स नेस्ट टू द नाइट बट नॉट फेसिंग द क्वीन द किंग एंड नेक्स्ट टू द क्वीन. ओ भाई इसमें पजल डिफरेंट है. लेकिन पहले अपन पूरा वो लेके आएंगे. तो प्लग्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास. एक पॉन का दिया हुआ है और एक शायद इसका दिया हुआ है. ऊंट दिया हुआ है और एक नाइट दिया हुआ है. ठीक है तो वो सारी चीज़ें हैं. बहुत कुछ करना बाकी है यार. पूरा सीवर में जाके प्लग्स इकट्ठा करने रूक किंग और क्वीन का. फिर उसके बाद आगे लैब की तरफ भी जाना है तो वो सारी चीज़ें हैं. बट एनीवेज गाइस बहुत बहुत धन्यवाद ये पार्ट जो है ये देखने के लिए.
थोड़ा एक्साइटिंग था ये पार्ट, क्योंकि टायरेंट जो है वो हमें दौड़ा ही रहा था और कुत्ते भी आए थे, और फिर ऑर्फेनेज का सीन हुआ पहली बार, शहरी के शहरी को लेकर हम लोगों ने खेला ऑर्फेनेज में, तो ये सारी चीज़ें हुई। बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो इस पार्ट में, और अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। वही है, इसी तरीके से आप मुझे हेल्प कर सकते हो, और कोई ज़्यादा तरीका नहीं है। बट एनीवेज गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद ये पार्ट देखने के लिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।